नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर लता जन सरोकार मंच के सौजन्य से आज कविता पाठ करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो कविता का सफ़र है यह इस तरीके से मेरे साथ शुरू हुआ कि जब मेरी बीए एमए के दौर था तब मैं संवेदना के स्तर पर जो मुझे समझ में आता था, जिस भी चीज़ से मेरे जो भी चीज़ मेरे हृदय को बहुत छू जाती थी उस पर मैं एक कविता लिख दिया करती थी। चूँकि उस समय घर का माहौल ऐसा धन्यवाद देवेंद्र सर, उस समय ऐसी स्थितियां थी कि गाना बजाना कविता लेखन पसंद नहीं किया जाता था, तो मैं उन कविताओं को फाड़ दिया करती थी। सब लिखती थी और फिर फाड़ दिया करती थी। आज लगता है कि उन कविताओं का कितना महत्व था। आज वो कविताएं मेरे हृदय को, क्योंकि लेखन रूप में मेरे पास नहीं है तो मैं कह नहीं सकती कि वो कहाँ हैं, कैसी हैं। बहुत दिनों बाद जब मैं बीएड करने गई तब मुझे लगा आज मैं कुछ जागृति हुई, शिक्षा से जुड़ी, फिर कविताएं लिखने लगी। दीपक कुमार सर धन्यवाद। और बीएड के दौर में फिर मुझे कविता लिखने का शौक हुआ, तब मैंने एक पहली कविता लिखी कुर्सी। धीरे धीरे वो लेखन, कभी कभार जब मन करता था, कुछ बहुत ज़्यादा संवेदना होती थी तब वो लेखन शुरू होता था। और उसके बाद करने के उपरांत मेरी पुत्री के बाद आने के बाद जब मैंने कविता लिखी तो वहाँ जो एक उसके बालपन का अंकुर फूटा, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी कविता आगे, लेखन को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो आज मैं अपनी कुछ कविताएं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बिटिया के बचपन की ही कविता जो मैंने उसके लिए लिखी, अभी दोबारा लेखन शुरू करने से पहले वही सुनाना चाहती हूँ। बाल कविता है, शीर्षक है गुल्लू रानी। गुल्लू रानी, गुल्लू रानी, गुल्लू रानी बड़ी सयानी, दूध को वो पानी पानी, पानी 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 पी जाओ पानी। बन जाओगी तुम बड़ी सयानी, सुनकर बोली बात नानी। पी गई दूध में गुल्लू रानी, पी गई दूध में गुल्लू रानी, बोली उसके बाद बिटिया रानी। हो गई मैं तो बड़ी सयानी, हाँ जी हो गई मैं तो बड़ी सयानी। एक बाल कविता है, मेरी बिटिया को संबोधित है। ऐसी बहुत सी कविताएं मैंने उसके लिए लिखी हैं। चूंकि मैं एक शिक्षा से जुड़ी हुई महिला हूँ, 10 वर्ष का अनुभव मुझे शिक्षा के क्षेत्र में है, TGT के पद पर कार्य करते हुए 10 साल का अनुभव है, और साथ ही PhD सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से मैंने की है, तो लोग मुझे बड़े छू जाते हैं, उनके लिए मैं आत्मानुभूति करके कविता रचना कर पाती हूँ। कहने वाले कह सकते हैं कि ये विचारात्मक भाव है, विचारों से मैं कविता लिखती हूँ, लेकिन कविता भी भाव और विचारों दोनों की अभिव्यक्ति ही है। हाँ, उसमें कल्पना का पुट भी होता है।
ऐसी ही एक कविता मैं अपनी शिक्षा से जुड़ी हुई आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है रजनी। आज आ गई याद उस नहीं नहीं उस जो बार बार बेंच से उठकर हो जाती थी तैयार, जो बार बार बेंच से उठकर हो जाती थी तैयार कुछ पूछने को, और कहती थी मैम 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 क्या कहना है रजनी कहो, मैं पूछती अशोक गौतम सर मुझे देख रहे हैं, धन्यवाद। रामेश्वर चौधरी सर धन्यवाद। क्या कहना है रजनी कहो, तो कहती भूल गए मैम मगर मैं जानती थी उसकी शरारतों को, जिससे तैयार था हृदय स्पर्शी मेरे लिए उसका तंग ना, बारह बार सीट से उठना और बारंबार मैम मैम करना और फिर भी कुछ ना कहना, बस हंसकर चुप रहना। वह थी एक चुनौती जो थी स्वीकार मुझे अपने इस नए रूप में, अध्यापिका के रूप में, शिक्षिका के रूप में। इसीलिए होते हुए शिक्षिका भी नहीं भूल पाई उस प्यारी बच्ची को जो हमेशा कहती थी मैम मैम मैम। रजनी धन्यवाद। बच्चे हमेशा शरारतों भरे होते हैं, सीखने को आतुर, सिखाने को आतुर। हालांकि हम बच्चों से सीखना पसंद नहीं करते, हमें लगता है बच्चे कुछ जानते नहीं हैं। यदि हम उन्हें अवलोकन करें तो हम ये जान पाएंगे कि बच्चे भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसी भाव पर मेरी कविता किया किला फतेह सीखकर। सीखा है मैंने कई बार अपने छोटों से, सीखा है मैंने कई बार अपने छोटों से, थे वो तैयार सिखाने को, थे वो तैयार सिखाने को बड़ी बड़ी बातें आसानी से। अपनी ही दुनिया में खोए साथ मासूमियत लिए, अपनी मासूमियत लिए चील सा पैनी नजर लिए। बड़ों के पास तो समय का अभाव और रुबाब का बड़ा सा चिट्ठा था, बड़ों के पास तो समय का अभाव और अपने रुबाब का बड़ा सा चिट्ठा था। आहत होती मैं कई बार नतमस्तक होकर भी, रो पड़ती अनेक बार क्रोध भरे स्वर से उनके। सोचती हूँ आज बड़ी हो चुकी हूँ, कदम भी रख चुकी हूँ, क्यों नहीं मानते हम छोटों को अपना गुरु, क्यों नहीं मानते हम छोटों को अपना गुरु, क्यों सदैव करते आए हम नज़रअंदाज। कक्षाओं में भी हम ऐसा ही करते हैं, क्यों नहीं मानते हम छोटों को अपना गुरु, क्यों उनकी बातों को करते आए नज़रअंदाज, क्यों भोले सवालों में छिपे सीखने के जवाबों को पहचान नहीं पाए। और यह भी विचारती हूँ कि क्यों बड़े बनकर स्वयं की सत्ता में ही लीन हो चुके हैं,
अब आज अभी से ही ज़रूरत है, अब आज अभी से ही ज़रूरत है सीखने सिखाने के नए मौके ढूंढने की। और बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सीखकर अपनी आज अभी से ज़रूरत है सीखने के नए मौके ढूंढने की और बिल्कुल छोटे के साथ बहुत खुश हो जाने की। जैसे बड़ा सा कोई किया किला फतेह सीख कर, जैसे बड़ा सा कोई किया अपनी छोटी छोटी पहलों से। बच्चे बड़े खुश होते हैं जब भी कोई उत्साह भरी चीज देखते हैं, उत्सुकता भरा कार्य करते हैं, और उनकी इस उत्सुकता से उनकी जिज्ञासा जिस तरह शांत होती है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई किला फतेह कर लिया हो। दीपक कुमार सर धन्यवाद। काम राजू सर का स्वागत है। शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ कविताएं मैंने आपको सुनाई। इसके अलावा मैं आपको स्कूली व्यवस्था से जुड़ी हुई एक ऐसी कविता सुनाना चाहती हूँ जिससे जो हम अक्सर मांग करते हैं बच्चों से कि वह अनुशासन में रहें, में ही नहीं है, स्कूल की हर व्यवस्था में देखने को मिलता है। इस अनुशासन का नया रूप लेकर मेरी ये कविता प्रस्तुत है आपके समक्ष, जिसका शीर्षक है अनुशासन और सक्रियता। अनुशासन से स्कूल की संरचनाओं में लाइट चला दो, दूसरी अंधेरा हो रहा है। अनुशासन से स्कूल की संरचनाओं में विद्यार्थियों को जकड़े बड़े कड़े पहरों में करते, विद्यार्थियों की जकड़बंदी को संरचनाओं में स्कूल की कौन है वो जो ऐसा करते हैं क्या अधिकारी, क्या स्वयं विद्यार्थी? आखिर क्यों वो ऐसा करते हैं? आधार बना है कक्षा का क्यों अनुशासन कक्षा का आधार बना है, खेल के मैदानों का आधार बना है, गतिविधियों का आधार बना है, प्रार्थना सभा का आधार बना है। और स्कूल के बाहर भी अनुशासन द्वारा ही तय होता है व्यवहार। इसे देखकर ही स्कूल की गड़ी छवि को अच्छी या बुरी दिया जाता है करार। कटु है तब जब कहते हैं और अनुशासन है रहना उन्हें परतंत्र। अनुशासनों में क्यों आदर्श बनते केवल कड़े नियमों के अनुशासन से, उदारवादी सोच होती जिस स्कूल की व्यवस्था, उदारवादी सोच होती नहीं आता कड़े पहरों से, यह तो सोच है जटिल आती सरलता के पैमानों से। छोड़ के देखो जरा सा खुला शायद कोई सक्रियता पनपे मासूम मन के कोनों से। निकलेंगे अनुशासित ही जब विश्वास के नियम बनाओगे,
निकलेंगे अनुशासित ही, जब विश्वास के नियम बनाओगे तुम ही तो सिखाओगे, बशर्ते अनुशासन बड़ा ना हो जाए, बशर्ते अनुशासन बड़ा ना हो जाए, खुली सोच और विश्वास से शायद कोई सबक नया सिखा जाए। विद्यार्थियों की सक्रियता कोई नया दृष्टिकोण सामने लाए, नया दृष्टिकोण सामने लाए। एक धन्यवाद आलोक सर, रामकिशन गुजर सर धन्यवाद। एक स्थिति है आज ऑनलाइन पढ़ाई की शिक्षकों के लिए, तब की उनके घरों में स्मार्टफोन नहीं है, ऐसी कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मेरी ये कविता सायली विधा में लिखी गई है। आजकल मैं हाइकू, सायली और पिरामिड जैसी विधाओं में कविता लिखती हूँ, बाल कविता, गज़ल लिखती हूँ, लघु कथा और कहानी लेखन से भी रूबरू हूँ। समझाता एक चित्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चित्र पर मैंने विचार करते हुए ये कविता लिखी है। मेरे पड़ोस में रहती है एक छोटी सी मुन्नी, मेरे पड़ोस में रहती है एक छोटी सी मुन्नी, बैठी इंतजार में स्मार्टफोन के दरवाजे पर। भाई और उसकी, भाई पढ़ता है उसका उससे ऊपर की कक्षा में, भाई पढ़ता है उसका उससे ऊपर की कक्षा में, जो सोचता है एक ही फोन पढ़े कैसे दोनों। रात को नहीं समझ में आया रात को काम, तो फिर करेगा कौन उसे मुश्किल से आसान दिन रात में। अगर दोनों ने देर तक कर भी लिया काम, तो भेजेंगे कब वापस होमवर्क अपना हम दोनों करके। रात में भेजना तो कहलाएगी अभद्रता, रात में भेजना तो कहलाएगी अभद्रता, और तड़के फिर ले जाएंगे फोन बाबा और माँ बिना काम किए। है ज़रूरी दोनों रोटी और पढ़ाई, क्या करे कोई। है ज़रूरी दोनों रोटी और पढ़ाई, भाई क्या करे कोई। धन्यवाद। एक बात मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ कि मेरा जो पीएचडी का विषय रहा वो जेंडर का रहा। स्कूली व्यवस्था में जेंडर को मैं स्कूली और कक्षाई व्यवस्थाओं में जेंडर विभेदीकरण का विषय रहकर मैंने अपना शोध पत्र किया, और इसीलिए मेरी कविताओं में अक्सर जेंडर, नारी, स्त्रीत्व और इस तरह की बातें शामिल रहती हैं। आज मैंने एक कविता का चयन किया है यहाँ सुनाने के लिए, जिसका शीर्षक है पतंगबाजी। बाल कविता है और एक माँ अपने बच्चों को किस तरह जेंडर
के परिप्रेक्ष्य में बात कर सकती है, कैसे समझा सकती है, यह बताती हुई यह कविता है। उड़ाता पतंग वो माँ का मुन्ना, उड़ाता पतंग वो माँ का मुन्ना, दीदी उसकी पकड़ती चरखी। तहजीब बनी मगर जमाने की ऐसी तहजीब बनी, लड़के ही करते अपने शौक पूरे। मगर जमाने की ऐसी तहजीब बनी, लड़के ही करते अपने शौक पूरे और करें आवारा गर्दी। संभालने का काम मिलता सदा दीदी को ही, जो सहेजे सदियों से दूर से माँ दोनों की आई भग के फिर मुन्ने से बोली, आई भग के फिर मुन्ने से बोली, तू भी तो देख पकड़ के चरखी, हो गई जिससे दीदी बड़की। तू भी अपना कद बढ़ा ले, तू भी अपना कद बढ़ा ले, उड़ाने दे दीदी को पतंग ये सतरंगी। और दीदी से बोली मुस्काकर बिटिया रानी, ये जिंदगी फिर कोई ना चुका। मुन्ने से बोली दीदी भी मुन्ने से बोली, तू है मेरे से छोटा भाई, इसलिए हर शौक में मैं तुझसे पहले नंबर पर आई। तुम दोनों हो, माँ ने भी ये बात समझाई, तुम दोनों हो बहन और भाई, साथ में खेलो और करना ऐसी पढ़ाई जिससे दीदी ही ना पकड़े चरखी, कहे सारे उसको वह भी रोज पतंग उड़ाई। आसमान में दोनों को करना कभी दोनों ने मान के माँ की बात, दोनों ने मान के माँ की बात, माँ की सीख ऐसी अपनाई, मुन्ना भी अब पकड़े चरखी और दीदी भी पतंग उड़ाई, और दीदी भी पतंग उड़ाई। धन्यवाद। काफी कविताएं हो गई। एक कविता मैं आपको व्यवस्थाओं पर सुनाना चाहती हूँ, जाति और जेंडर की व्यवस्थाएं हैं। कविता एक प्रेम कविता के रूप में लिखी है, लेकिन व्यवस्थाओं पर व्यंग्य करते हुए है, तो ये व्यंग्यात्मक प्रेम कविता। तुम मिलना मुझे, शीर्षक है व्यवस्थाएं, कविता का शीर्षक है व्यवस्थाएं। तुम मिलना मुझे उस लहलहाते खेत के बीचों बीच, जहां कोई जातिगत बंधन तुम्हें और मुझे ढूंढ न पाए। सोचेंगे इस बनावटी दुनिया तुम्हारी जैसियों के साथ, बंद हो जाएंगी उनकी भी आवाजाही। इज्जत की खातिर यह ना सोचेंगे सोचने वाले
इज्जत की खातिर यह ना सोचेंगे सोचने वाले कि क्यों तुम्हें भागना पड़ा, दम घोट कर अपना खुद ही चुप रह जाना पड़ा, और फिर क्या पता ढूंढ कर कहीं से मार दो हम दोनों को यह जाति के ठेकेदार। चुप रह जाना पड़ा और फिर क्या पता ढूंढ कर कहीं से मार दे हम दोनों को यह जाति के ठेकेदार, और यदि ना सोच पाए कोई हल तो फिर, और यदि ना सोच पाए कोई हल तो फिर मिलकर पूछेंगे समाज से। अकेले अकेले पूछने पर तो आवाज़ दबा दी जाती है, पूछेंगे इस जाति व्यवस्था का आधार आखिर है क्या। असमानताओं को कायम रखने वाली सोच, वरना क्यों नहीं मानते माँ की जाति को ही, बच्चे तो माँ ही पैदा करती है। क्यों सदियों से फसल को बीज का ही प्रतिरोपण मानते हैं, क्यों नहीं खेत की धरती को भी मिलता उसका हक। जिस पर बीज और हल चलाए जाते हैं, बीज बोए और हल चलाए जाते हैं, और यहाँ तो छड़ रहे हैं दोनों तरफा लोग, बताते अपने अपने लेकिन हमारा दिल है जो चढ़ रहा है बलि। इस जाति व्यवस्था को बनाए रखने की होड़ में मिलकर पूछने पर भी तो नहीं मिली आजादी किताबी संविधान की। सोच के चलो, यदि मिलकर पूछने पर भी नहीं मिली आजादी किताबी संविधान की, तो उसका भी सोच कर चलो कि क्या इनके हाथों मरना है और अमर हो जाना है, या कहीं और जबरन ब्याकर इतिहास के पन्नों में गुम हो जाना है, या फिर बयाना करने का फैसला अपने कल्पनाशील जीवन को यथार्थ का रूप देना है। सोचो अभी तो मुझे उसी खेत के बीचों बीच। और बताएं और कविता जोशी सर, और कविताओं की इजाजत। ये कार्यक्रम क्योंकि अचानक नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, यदि इजाजत हो तो मैं एक कविता और सुनाना चाहती हूँ, जेंडर पर ही है, एक लड़की के मन के भाव हैं, उन्हें इस कविता में सुनाना चाहती हूँ। कि मैं इन कविताओं के लेखन में जब मैं जुड़ी बेटी होने के बाद तो इतना ज़्यादा नहीं लिखती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 5 महीने पहले 4 महीने पहले मैं कुछ मंचों से जुड़ी, ऑनलाइन काव्य पाठ प्रतियोगिताओं में करते करते मेरा दोबारा रुचि जगी और उन्होंने मुझे इन कविताओं को लिखने की दोबारा प्रेरणा दी। तो
साहित्यिक परिवार, बदलाव मंच, साहित्यिक मित्र मंडल, कई विधाओं से भी कहते हैं, उन्होंने मुझे परिचित कराया, उनका मैं विशेष धन्यवाद यहाँ मंच पर देना चाहती हूँ। और एक ऐसी ही कल एक ऐसे ही प्रतियोगिता के लिए मैंने एक कविता रची जिसका शीर्षक है जाना है मुझे ऐसे देश, जाना है मुझे ऐसे देश जहाँ कोई मुझे बार बार लड़की ना बुलाए, जाना है मुझे ऐसे देश जहाँ कोई मुझे बार बार लड़की ना बुलाए। हाँ मैं हूँ तो एक लड़की ही, हाँ मैं हूँ तो एक लड़की ही, कि लड़की शब्द गड़ा है समाज के मानकों के लिए, और थोड़े समय बाद मुझ लड़की को कहने लगते हो औरत बार बार, इसी से निर्धारित करते हो कि मैं हूँ सेकंड सेक्स, थोड़े समय बाद मुझ लड़की को कहने लगते हो करते हो मैं हूँ सेकंड सेक्स। फिर तुम कहते हो कि हम तुम्हें इंसान तो क्या देवी बनाकर पूजना चाहते हैं, हम तुम्हें इंसान देवी मानकर पूछते हैं। अरे सुनो, मुझे देवी नहीं बनना, मुझे देवी या उल्टा बन नहीं ढलना तुम्हारे बनाए मानकों में, देवी बनाकर मुझे दोगे उपहार का लोभन, और यदि ना हुआ तो दोगे मुझे घर निकाले का डर उल्टा बनाकर। मैं चाहती हूँ रहना स्वतंत्र अपने मानवीय अस्तित्व के साथ, मैं चाहती हूँ रहना स्वतंत्र अपने मानवीय अस्तित्व के साथ, जिसका हक दिलाया मुझे मेरी बड़ी बहनों ने लंबी लड़ाइयाँ लड़कर तुम सभी से, तुम्हारे बनाए मानकों की जकड़ बंदी धर्म और जाति के ठेकेदारों से, तुम्हारे बनाए मानकों की जकड़ बंदी को धर्म और जाति के ठेकेदारों से और भी किया सख्त, वरना लड़की के लिए होता कोई, तुम्हारे बनाए मानकों की जकड़ बंदी को धर्म और जाति के ठेकेदारों से और भी किया सख्त, वरना लड़की के लिए होता कोई अन्य शब्द जहां कोई मुझे लड़की न बनाता, जाना है मुझे जहां कोई मुझे मेरे देश जहां कोई मुझे लड़की न बुलाए। धन्यवाद। चलिए फिर विदा लेते हुए आज के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर लता अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और वजह से हमारा कार्यक्रम कुछ अधूरा ही रह गया,